ओके गाइस, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे हमने राउटिंग को सेटअप करा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्रंट एंड हमारा स्टार्ट हो गया है। और अभी आज के इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ पे काम करने वाले हैं वो है यूजर साइन अप। बिल्कुल, तो साइन अप डॉट जेएस पे जो है बेसिकली अभी हमें काम करना है। मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, तो मैं npm स्टार्ट का कमांड देता हूँ और ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा रन होता है आप इसको देख पाओगे कि बाय डिफॉल्ट जो है हमने यहाँ पे सेट करा हुआ है बेस यूआरएल पे। ये देख सकते हो आप, साइन अप पेज ही हमारा अभी ओपन होना है। बिल्कुल सही सुना आपने, तो यहाँ पे जो है हमारा साइन अप का पेज ओपन हो चुका है। इसी पे अभी हम लोग डिजाइनिंग करने वाले हैं, इसी पे हमें अभी सारे के सारे फंक्शनलिटी एड करना है। तो साइन अप पे जाओ फटाफट से बिना देर की, और करना ये है कि एक डिव है, मैं इसको सबसे पहले क्लास नेम दे देता हूँ। मैं एचटीएमएल और सीएसएस दोनों साथ साथ लिखना चाहूँगा। बिल्कुल, क्लास नेम मैं इसको देता हूँ रैपर। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे डिव इस तरीके से देता हूँ। हाँ बिल्कुल, और ये जो डिव में दिखाई दे रहा है इसका जो क्लास मैं देना चाहूँगा क्लास नेम वो मैं दे दूंगा फॉर्म रैपर। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये फॉर्म रैपर होगा। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक H2 होगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आवर ट्यू लाइक दिस। ओके बिल्कुल, अभी कहानी ये है कि मैं इसके बारे में थोड़ा और भी आगे लाइक बात करूँगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं यहाँ पे कंपोनेंट है हमारा देख सकते हो SRC के अंदर में, ये ऐप डॉट एक CSS करके बना हुआ था, इंडेक्स डॉट CSS। ये नहीं मैं कह रहा हूँ, इसमें बाई डिफॉल्ट वाली चीज़ें होंगे, है ना, ऐप डॉट CSS। ये रहा, यहाँ पे मैं सारा का सारा कोड लिखता हूँ। अभी सबसे पहले मैं बात करूँ रैपर के लिए, तो भाई साहब इसका वेथ जो है ना वो दे दो 100%, और जो हाइट है वो दे दो 100 VH। थोड़ा सा एक चीज़ आप रुकोगे, जो मैं कह रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान से समझना। इंडेक्स डॉट जेएस CSS जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब का सब बाई डिफॉल्ट वाला जो कोड है वो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा चीज़ों पे ये काम कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, पब्लिक के अंदर जाओगे तो ये रहा HTML, इस पे काम कर रहा होगा। तो आप इंडेक्स डॉट CSS पे जाकर के वो चीज़ें लिख सकते हो। स्टार में लिखता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ फटाफट से, आप ध्यान से सुनोगे। बाय डिफॉल्ट किसी भी तरह का मार्जिन वगैरह नहीं चाहिए मुझे, है ना, मार्जिन 0 पिक्सल, ये स्टार बाय डिफॉल्ट के लिए है ना। किसी भी तरह का बाय डिफॉल्ट हमें पैडिंग नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल 0 पिक्सल। बॉक्स साइजिंग जो है मुझे बॉर्डर बॉक्स चाहिए, सो दैट कि मैं जब भी मार्जिन या पैडिंग लगाऊं तो उसकी वजह से हाइट विड्थ एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो ये तो बातें हो गए, मैं इसको सेव करता हूँ। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें, अभी यहाँ पे आवर ट्यूब इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अगले स्टेप में मैं चाहूँगा गूगल फॉन्ट, है ना, बिल्कुल ये फॉन्ट नहीं चलेगा, मैं अपना अलग फॉन्ट लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जाओ और मैं मॉन्टसेरेट को यूज़ करना चाहूँगा। बिल्कुल सही सुना आपने, तो मैं इसको अभी सर्च मारता हूँ एंड आप देखोगे कि मॉन्टसेरेट आपके पास चीज़ें आ रहे होंगे। बिल्कुल, तो अभी गेट फॉन्ट पे आपको क्लिक लेना है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड का एक ऐसा ऑप्शन आएगा, और उसके बाद कुछ करना नहीं है आपको। लाइक ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कंट्रोल सी या यहाँ पे भी डायरेक्ट से कॉपी कर सकते हो। कॉपी कोड यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, और जा करके आपको क्या करना है कि इसका जो HTML है, एक ही HTML है आपको बताना चाहिए, इंडेक्स डॉट HTML, ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल पब्लिक के अंदर में, यहाँ पे जाकर के आपको चीज़ें चिपका देना है। मैंने यहाँ पे जाकर के ऐसे चिपका दिया, एकदम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधे ऐसे से चिपका देना। अगर आपको लगता है कि सही से फॉर्मेट नहीं हुआ है कोड, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसको कर सकते हो, और इसको आप सेव करके यहाँ से निकल जाओ चुपचाप से। बिल्कुल, अब इंडेक्स डॉट CSS में जाओ, और आप चाहो तो इसका फॉन्ट फैमिली जो है बाई डिफॉल्ट अब ये कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉन्ट फैमिली एक लिखा हुआ है, ये कंट्रोल सी करो और यहाँ पे जाकर कंट्रोल वी कर दो। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा करके यहाँ पे चीज़ें, तो अलग आपको फॉन्ट दिख रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके बिल्कुल, अब बाकी चीज़ें मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, यहाँ पर फोकस करते हैं हम लोग। अभी ज़रा ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको भी मैं कट कर देता हूँ, इसका भी काम अब नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी फिलहाल नहीं है। यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट जो है वो हमने सेट कर दिया है। रैपर में जब भी लगाऊंगा तो विड्थ हाइट जो है वो 100% और 100 VH इस तरीके से ले रहा होगा। ठीक है बिल्कुल। अभी मैं यार एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग ही मैं बनाता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस दो ही लाइन का कोड होना है अलग, ठीक है। मतलब सेम, बाकी सब अलग भी हो सकता है। मैं साइन अप रैपर इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। ये साइन अप पेज में हूँ मैं, है ना, ऐसा लिख सकते हो। या फिर मैं इसको मेन रैपर नाम दे देता हूँ, ठीक है, जरा सही रहेगा। मेन रैपर विथ हाइट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं रखूँगा, हाँ जो बैकग्राउंड कलर मैं रखूँगा, ये पूरा ब्लैक नहीं होगा एक्चुअली में, पूरा ब्लैक नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा कलर बता रहा हूँ, जस्ट वेट वेट वेट, कुछ इतना, ठीक है बिल्कुल। अब मैं सेव कर रहा हूँ, और ये इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आकर के मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर दो, ये जो CSS वाला चीज़ है ना, तो भाई साहब डॉट स्लैश तो नहीं, डॉट डॉट स्लैश, ओ डॉट डॉट स्लैश, ये बना हुआ है कहाँ पे, बना दिया है हमने, जस्ट वेट, ये SRC के अंदर है। हाँ बिल्कुल, तो SRC के अंदर है, तो पहले आपको जाना पड़ेगा ऐसे SRC में। तो ये मैं गया SRC में, उसके अंदर है मेरा वेट, ये SRC के अंदर ही तो है, SRC के अंदर कंपोनेंट और ऐप डॉट CSS, यहीं पे तो है यार। तो ये मैं गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐप डॉट CSS, रुको, ऐप डॉट CSS मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे लिखता हूँ, काम करता ही नहीं करता। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ मेन रैपर, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। सो ये काम कर गया, ठीक है। अब जो है पूरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये फॉर्म रैपर है, मैं काम करता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा इसको मैं क्लास, हाँ इसको मैं क्लास नहीं देता हूँ, हेडिंग, ठीक है लाइक दिस, ऐसे मैंने, और या तो मैं इसको नाम दे देता हूँ टाइटल या सी नेम, ठीक है बिल्कुल, सी नेम, कंपनी नेम या ऐसा कुछ है। और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, आप थोड़ा सा देखते जाना, ठीक है। सी नेम कुछ नहीं करना है, कलर जो है ना उसको रेड करना है फिलहाल। सेव करता हूँ, ये देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही रेड है, इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल करना चाहूँगा, ठीक है, इतना ज़्यादा रेड नहीं। ये थोड़ा ये हो गया, ठीक है इतना, ठीक है बिल्कुल। मैं अभी ऐसे कुछ ले रहा हूँ यार, आप देख पा रहे हो, ठीक है। एक तो चलो ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, मैं बता रहा हूँ क्यों, रुको ऐसे डाइट करूँगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। आपने ना एक फॉर्म रैपर बना रखा है, आप देख पा रहे हो, कंपोनेंट के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे देखो आपने बना रखा है एक फॉर्म रैपर, ठीक है, उसके अंदर ही प्रॉपर फॉर्म होना है। ऐप डॉट सीएसएस पे गया, और थोड़ा सा डिजाइनिंग भी आप देखते जाओगे, ठीक है। फॉर्म रैपर का विड्थ जो है मैं दूंगा लाइक 50%, ठीक है, और हाइट जो है मैं देना चाहूँगा, मान के चलो कि लाइक 50 VH, आधा वेट। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं पूरा फुल ब्लैक ऐसा मैंने रख दिया, ठीक है गुड, ये आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इसका बॉर्डर रेडियस काटो, है
है ना, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है ये कट गया। अब इसमें जो स्टोरी है इसको मुझे क्या करना है कि ओरिजेंटली वर्टिकली सेंटर में चाहिए मुझे ये चीज़, तो इसलिए मैं यहाँ पे आऊँगा ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, और यहाँ पे मैं कर दूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है बिल्कुल, और ये लिखने से ऑटोमेटिकली बीच में चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक है, थोड़ा आप ये करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है गुड। तो अभी इस तरीके से है स्टोरी, आप देख सकते हो, थोड़ा आप ये हाइट और चाहोगे मे बी, तो आप इसको कर दो 80 VH, ठीक है बिल्कुल, ओ 8 हो गया, सॉरी 80 VH, ओके आप देख लेना आपके अनुसार जैसा भी सही लगेगा। अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा पैडिंग डाल देना है, पैडिंग 10 पिक्सल का हो गया बिल्कुल। अब यार यहाँ पे आपको एक इमेज चाहिए है ना, बगल में ये लिखा हुआ रहेगा, मैं जस्ट ये जो दिख रहा है ना वीडियो का आइकन वगैरह टाइप में, तो मैं ऐसे लिखता हूँ यूट्यूब लोगो, ठीक है बिल्कुल, देखते हैं क्या आता है। मैंने इसको क्लिक मारा, ये इमेज आपको वैसा कुछ दिख रहा होगा ठीक है, अगर आप डॉट PNG लगा के लिखते तो और सही होता है ना, .png, ओके बिल्कुल। अभी मैं क्या बोल रहा, मैं इसको सेव करता हूँ ठीक है, थोड़ा सा साइज इसका देखना कि कितना होना है, तो जैसे मैंने ये करा थोड़ा आप इसका साइज वगैरह देख लेना, मैं एक एक चीज़ को आपको सिखा रहा हूँ प्लीज, ठीक है बढ़िया से देखो। तो यार ये 19 KB का है एंड फाइन, ठीक है ज़्यादा नहीं है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ है ना, नहीं तो हम इसको क्या कर देना वेब पी फॉर्मेट में, हाँ वेब पी फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर ही लेना लेकिन, ठीक है वेब पी फॉर्मेट काफ़ी सही होता है, तो ये काम आप करेगा ना वेब पी फॉर्मेट में, जैसे PNG ना तो उसको ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं उसमें सभी कर लेना। मैं लिख देता हूँ लोगो ऐसे ठीक है, और यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से कंट्रोल सी करके मैं सीधा सीधा एसेट्स में जाऊँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा सॉरी SRC में जाऊँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा एसेट्स, और यहाँ पे मैं पेस्ट मार दूँगा ठीक है बिल्कुल, तो ये आ गया इस जगह पे, चलिए बहुत ही सुंदर। अब यहाँ पे मैं इसको एक काम करना चाहूँगा, कंपोनेंट में जाता हूँ, साइन डॉट ये एच टू डायरेक्ट नहीं ठीक है, ये डिव, और इसके अंदर एक IMG इमेज ठीक है, SRC में जो होगा भाई साहब SRC में जो होगा यहाँ पे लगा दूँ, पूरा पूरा इस तरीके से लगाना पड़ेगा आपको ठीक है, रिक्वायर और ये एसेट्स के अंदर लोगो डॉट PNG ऐसे ठीक है बिल्कुल। तो मैं इसको सेव करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ वो लग गया होगा ठीक है, आप देख सकते हो लग गया, हाइट विड्थ इसका कंट्रोल करना पड़ेगा, तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ लोगो इमेज ठीक है ऐसे कुछ, और ये बार बार चिल्लाएगा अगर आपने LT सेट नहीं कराया तो, ठीक है मैं लोगो लिख दिया हूँ ऐसे। इसको पहले एक क्लास नेम दो हेडर करके, फॉर्म हेडर, फॉर्म हेडर नो, ये फॉर्म ये वाला चीज़ ना एक्चुअली में ये यहाँ होता तो ज़्यादा सही रहता, रुको एक मिनट, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको यहाँ चिपका रहा हूँ ठीक है बिल्कुल, ये फॉर्म में नहीं है फॉर्म के बाहर है ऐसे देख लो आप, है ना जो मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं H2 वाला चीज़ लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आवर टू लाइक दिस, ओके बिल्कुल। क्लास नेम मैं लिख रहा हूँ सी नेम ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म है, फॉर्म हेडर नहीं है एक्चुअली में ये रैपर हेडर, यार ये मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है, ज़्यादा लोड मत लेना, कुछ भी नाम आप डाल सकते हो, चीज़ें बहुत ही खतरनाक आ रखे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मेन रैपर में मैंने जो लगा रखा था ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स उसकी वजह से ये वाला चीज़ और ऐसे एक के बगल में एक आ गया ठीक है। ऐप डॉट सी से जाओ फिलहाल, और ये जो मेन रैपर है ठीक है, इसमें जो ये
डायरेक्शन आप ऐड कर दो कॉलम, तो एक के बाद एक आने हैं चीज़ें, ठीक है, गुड, बढ़िया। साइज ही बहुत ज़्यादा है, पहले इसको तो छोटा करो। तो मैं क्या बोल रहा, डॉट लोगो इमेज, ठीक है, इसका विड्थ करो सबसे पहले 10%, हाइट ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है, 10% भी बहुत होता है, बट फिर भी आप देख पा रहे होगे, है ना, कुछ इस प्रकार से। और मुझे तो लाइक ठीक ही लग रहा है ना, बिल्कुल हाँ, मुझे तो ठीक ही लग रहा है, कुछ इस प्रकार से है। अब आप देख रहे होगे, है ना, बिल्कुल। अभी कहानी क्या है कि हाँ, कि मैं ज़रा इस पे आता हूँ, साइन अप डॉट जेस, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। ये होगा हेडर में है, एक के नीचे एक ऐसा कुछ आ रखा है ना, बिल्कुल हाँ, ये ऐसा है स्टोरी, ठीक है, एक के नीचे एक आ रखा है, एक के नीचे एक, और ये रहा आपका। इसके बाद थोड़ा आप और छोटा इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस में जाओ, और ये जो चीज़ है 10%, इसको आप लाइक 7% एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कुछ इतना आ रहा है, बिल्कुल इतना आ रहा है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आओ वापस से, और मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है दोनों, मुझे एक के बगल में एक चाहिए, मैं इसको रैपर हेडर में जाता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाता हूँ, और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। रैपर हेडर जो है ये विड्थ, इसमें पहले बैकग्राउंड कलर लगाओ, ठीक है, ग्रीन, आपको दिख जाएगा कि कितना विड्थ ले रहा है, तो ये ले रहा है इतना विड्थ, आपको दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल। इस पे आपको सेंटर में चाहिए, तो आप इसको करो पहले फ्लैक्स डायरेक्शन, और पहले तो आप करो डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो बीचों बीच चला जाना है, ठीक है, ये बीचों बीच आ गया जो हम चाहते थे। अब इसको जो है हटाओ, हो गया, बिल्कुल, अब देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, है ना, जो मैंने कहा, जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको लगता है कि ये कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसके जगह पे वाइट एक बार ट्राई करना चाहते हो तो करके देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, एंड आई थिंक वाइट बहुत ज़्यादा सही है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो है फटाफट से हमें फॉर्म फील्ड बनाने हैं, तो इधर चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये हमारा फॉर्म रैपर है, इसके अंदर जाकर के सबसे पहले फटाफट से हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और ये इनपुट बॉक्स का जो प्लेस होल्डर होगा, हाँ बिल्कुल, ये इनपुट बॉक्स का प्लेस होल्डर जो होगा होगा ईमेल। एक बार मैं चाहूँगा कि आप ना ओपन करके उसको रख लो न्यू विंडो में, जो हमने एपीआई बना रखा है, बिल्कुल सही सुना आपने, न्यू विंडो में जो हमने एपीआई बना रखा है उसको जरा ओपन करके रख लो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आवर ट्यूब का जो एपीआई था, आई थिंक ये तो खुला हुआ है, ओपन फोल्डर, मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल, और ये रहा एपीआई, इसको ओपन करना है, तो यार इसको ओपन करना है तो अलग विंडो में ओपन करना है, यहाँ पे नहीं, है ना, चलो, तो न्यू विंडो, और यहाँ पे डायरेक्ट से अगर यहाँ पे दिखता है तो ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये रहा। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अनुसार ही आपको फील्ड बनाने, मॉडल्स में जाओ, यूजर डॉट जेएस में, है ना, बिल्कुल, तो चैनल का नेम है, ईमेल है, ठीक है, ये सब जितना भी चीज़ें इन सबको आप बनाओगे फटाफट से। तो सबसे पहले चैनल नेम, ठीक है, बिल्कुल, चैनल नेम, उसके बाद जो है कंट्रोल सी में कर रहा हूँ, हाँ कंट्रोल वी, चैनल नेम के बाद ईमेल, हाँ बिल्कुल, उसके बाद जो है, और ये सब का टाइप जो होना है, हाँ ये सब का टाइप जो होना है वो टेक्स्ट होना है, ठीक है, पर इसका आप ईमेल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैनल नेम के बाद और क्या चीज़ था भाई साहब, जो जो है सब देखो, चैनल नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, ठीक है, तो पहले तो पासवर्ड, उसके बाद फ़ोन वोन, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे होना है पासवर्ड, और प्लेस होल्डर भी होगा पासवर्ड, ठीक है, बिल्कुल।
ना उसके बाद जो है अभी कोई वैलिडेशन वगैरह भी नहीं ला रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रहे। उसके बाद ये फोन फोन हो गया, उसके बाद हम लगाना चाहेंगे, हाँ उसके बाद जो है हम लगाना चाहेंगे लोगो ही वाले, ये सब तो नहीं ठीक है बिल्कुल, ये तो अलग कहानी है। हमें सिर्फ वहां से भेजना है फोटो के साथ में चीजें, है ना, एक फाइल, ये सब भी नहीं, ये सब भी नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, है ना, और थोड़ा सा आप इसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि इस चीज के साथ में ये मांग रहा है इमेज को, ठीक है। तो लोगो की के साथ में आपको वो फाइल भेज देना है फिर, ठीक है। वेट, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आया और एक और इनपुट है ना, ये डायरेक्ट से मैं कर सकता हूँ, इसका जो टाइप होना है, क्योंकि इनका इसका जो टाइप होगा वो तो होगा टेक्स्ट ही, ठीक है फोन है, आप चाहो तो नंबर भी रख सकते थे। और वेट, ये जो चीज़ है इसको प्लेस होल्डर इसमें लगाना नहीं है, अब इसका टाइप खाली कर दो फाइल, ठीक है टाइप कर दो खाली फाइल, हो गया चलो बहुत सही। अब इसको सेव करता हूँ, जरा देखना चाहूँगा, और एक और आप सबमिट है ना लगाओगे, तो इनपुट जो है ये बटन भी लगा सकते थे, है ना, मैंने कहा आप चाहो तो बटन भी लगा सकते हो इसकी जगह पे, तो बटन है क्या लिखा रहा है बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट, टाइप जो होगा वो सबमिट होगा, ठीक है बिल्कुल। अब मैं इसको सेव करता हूँ दिखाता हूँ, तो ये चीज़ इस तरीके से दिख रहा है आपको। सबसे पहली बात कि ये जो फॉर्म रैपर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पूरा सा, इस पे जा करके थोड़ा सा मैं और कलाकारी करना चाहूँगा। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए, फॉर्म रैपर थोड़ा सा बॉक्स शैडो चाहिए मुझे, बॉक्स शैडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल और ये 10 पिक्सल, ऐसा मैं लिख रहा हूँ ठीक है। और कलर वलर अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, पर ये ब्लैक आता है बाई डिफॉल्ट, है ना, तो मैं अभी लिख रहा हूँ ब्लैक, पर रुकोगे थोड़ा ये हल्का जो है वो वाइट टाइप में जाएगा, ठीक है समझ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा हो गया ठीक है, बट कोई नहीं, 15 पिक्सल करता हूँ मैं इसको, और ओके थोड़ा देखना चाहेंगे, चलो ये सही है, अभी अभी क्लियर रहने देते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इस पर, है ना बिल्कुल। और एक चीज़ कि ये जो चीज़ है वो डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, है ना बिल्कुल, थोड़ा सा गैप सब मिलेगा 5 पिक्सल का, ठीक है सारे इनपुट जो बॉक्सेस हैं उनमें मैं बात कर रहा हूँ ठीक है, ये देख लो, चलो ये कुछ ऐसा लग रहा है 5 पिक्सल के जगह पे, अगर अभी रुक जाओ, अब इनपुट पे काम करते हैं, तो जितना भी डॉट फॉर्म रैपर के अंदर में इनपुट है उन सब की मैं बात करूँ, तो भाई साहब विड्थ जो है वो लेना 100%, पैडिंग जो होगा सब में 10 पिक्सल का, आप ज़रा देख ही लो लाइक दिस ओके। जो बॉर्डर है नहीं चाहिए, है ना बिल्कुल नहीं चाहिए, और थोड़ा सा जो हाइट है मैं बढ़ाना चाहूँगा 30 पिक्सल में, देखता हूँ कितना होता है, तो वो ये नहीं 50, ठीक है इतना अभी सही है ओके। अच्छा बटन का जो कैप्शन है शायद मैंने डाला नहीं है, डाला हुआ है, डाला हुआ है, डाला हुआ है, सबमिट लिखा हुआ भी है ओके, चलो इस पे अलग से हम कलाकारी करेंगे, है ना बिल्कुल। अभी एक चीज़ और है, मैं अलग से कलाकारी क्या करूँगा यहाँ पे कर ही देता हूँ, तो ये डॉट फॉर्म रैपर के अंदर में जो बटन है ना, इसका भी हाइट जो होगा वो सेम ही होना है 50 पिक्सल लगाता हूँ मैं, और जो पैडिंग होगा ये मैं लगा देता हूँ 10 पिक्सल लाइक दिस, और इसमें भी सेम स्टोरी होना है ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर ऐसा कुछ, बॉर्डर नॉन ठीक है बिल्कुल, वैसे लगा हुआ इनपुट पे है ना उस पर भी ठीक है। बाय द वे ये चीज़ें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि विड्थ जो है हमने 100 डाल रखा है इसीलिए ठीक है, 80 पिक्सल विड्थ पे खेलते हैं,
तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ऑनलाइन आइटम जो सेंटर लिखा हुआ, सबसे पहले ये रैपर का हेडर है, ये फॉर्म रैपर कहाँ पे है, फॉर्म रैपर, ये था रैपर का हेडर, ठीक है, ये रहा फॉर्म रैपर, ये जो हमने करा हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, बिल्कुल। और इस तरीके से ये पूरा बीचों बीच आ रहा है ना, आप देख सकते हो। मैं ये जो चीज़ सेट कर रखा हूँ हाइट, मैं इसको हटाऊंगा, है ना, बिल्कुल जितना का ज़रूरत है बस उतना में ही हमारा काम होना है। लेकिन ये हाइट नहीं रखोगे तो फिर वो सेंटर वेंटर में जाने में लोचा होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कुछ इतना आ रहा है यार, ठीक है, और सही है, मैं बता रहा हूँ क्यों। यहाँ पे आओ अभी, और इसका जो विड्थ है ये भी कर दो 80%, ठीक है, तो ये रहा, हो गया 80%। इसका बैकग्राउंड कलर लेकिन अलग रहेगा ना, बैकग्राउंड कलर जो है ये रेड रहेगा, और जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो वाइट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, हालांकि ये पूरा रेड नहीं, थोड़ा यार इधर जाएगा, है ना। और अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, थोड़ा और लाइट, ओके फाइन, हाँ चलो चलेगा ये अभी, बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा क्या करा जाए कि बॉर्डर रेडियस पे खेला जाएगा, 5 पिक्सल, ज़रा मैं देख लेता हूँ 5 पिक्सल कितना ले रहा है, हाँ ये सही होगा। तो यहाँ पे भी आओ और इस पे भी, है ना, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ओके फाइन गुड। तो अभी ये ठीक है, गैप थोड़ा जो है इसमें बढ़ाया जाए, है ना, फॉर्म रैपर, ये जो गैप लगा रखा है मैंने 5 पिक्सल का, इसको कर दिया जाए 10 पिक्सल का, ठीक है गुड। 10-10 पिक्सल थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, 12 पिक्सल, ठीक है, बिल्कुल। तो फाइनली जो है कहानी, अभी हमारा यूआई कुछ ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉपर टाइप कर पा रहे हो कुछ भी, है ना, बिल्कुल। तो ये सब काम कर रहे हैं, इस पर आप सिलेक्ट भी कर पा रहे हो एंड चीज़ें इस तरीके से। अब यहाँ पे एक लोचा है कि जब भी आप सिलेक्ट करो तो यहाँ पे आप इमेज प्रीव्यू दिखाना चाहोगे तो आप दिखा भी सकते हो, है ना, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये करो कि ये 1, 2, 3, 4, ये 4 फील्ड में जो भी टाइप हो रहा है ना उसको पहले कैच कर लो, ठीक है, बिल्कुल। और ये काम करने के लिए हमें स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, ये बात हम सबको पता है। यहाँ पे जाता हूँ फटाफट से, और लाइक इस जगह पे मैं कॉन्स्ट, और सबसे पहले चैनल नेम, चैनल नेम, और उसके बाद सेट चैनल नेम, ठीक है, बिल्कुल। इस तरीके से लिख करके यूज स्टेट, और ये इनिशियली जो है मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो ये वो समझ सकते एक वेरिएबल, और इस फंक्शन की मदद से उस वेरिएबल में वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। इनिशियली जो है वो क्या है, ब्लैंक स्ट्रिंग, ओके, बिल्कुल। कॉन्स्ट चैनल नेम के बाद, हाँ चैनल नेम के बाद ईमेल, ठीक है, बिल्कुल सेट ईमेल, हाँ जी। उसके बाद जो है इसमें भी मैं वैसे रख दूंगा, यूज स्टेट लाइक दिस, और उसके बाद फिर कॉन्स्ट पासवर्ड, और फिर ये सेट पासवर्ड, यूज स्टेट, और फिर कॉन्स्ट चैनल हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और क्या है भाई साहब, जरा देख लो, उधर फोन है, तो फोन, और फिर सेट फोन, ठीक है, बिल्कुल, यूज स्टेट और लाइक दिस। उसके बाद जो है कॉन्स्ट लोगो, है ना, और सेट लोगो, लोगो के साथ ही भेजना है, इस बात का भी से ध्यान रहे। तो यूज स्टेट इनिशियली जो है इसमें नल रखना है, ठीक है, मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए ना। अभी स्टोरी क्या है ना कि जब भी आप इस पे टाइप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी टाइप किया जा रहा होगा, है ना,
ऑन चेंज। तो ये ए इवेंट में चीजें जा रहे होगा, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरो फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट करवाया है जब भी आप इसमें कुछ टाइप कर रहे होगे तो। और ये एरो फंक्शन के अंदर में मैंने एक कोड लिखा हुआ है सेट चैनल नेम, और इसमें मैं सेट कर दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे में कर लेने हैं। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो। ये आपका जो है ये किसके लिए था, ईमेल के लिए। तो आप यहाँ पे सेट चैनल नेम की जगह पे आप कर दोगे यहाँ पे सेट ईमेल, और ये बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे कंट्रोल वी, और इस जगह पे जो है ये कर दोगे आप सेट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है आप कर दोगे सेट 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 फोन। ठीक है, बिल्कुल। और ये फाइल वाला का थोड़ा सा लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑन चेंज पे ना मैं अभी एक ऑन चेंज पे मैं अभी एक फंक्शन ये करूँगा, और वो होगा फाइल हैंडलर। ठीक है, मैं बताऊँगा इसमें क्या होना है, जस्ट वेट। बिल्कुल, ये चलना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ सारा का सारा, इसका थोड़ा सा कहानी अलग होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और बनाऊँगा मैं इसको कॉन्स्ट फाइल हैंडलर। ठीक है, बिल्कुल। ए आ रहा होगा इसमें भी, है ना, इवेंट। और सबसे पहले आप इसको कंसोल में लॉक कर लो, कंसोल डॉट लॉग ए डॉट टारगेट डॉट फाइल, ऐसा कुछ। ठीक है, बिल्कुल। अब बढ़िया से देख लो जो मैं लिखा हूँ, फाइल नहीं फाइल्स। ठीक है, और पहला फाइल, राइट, बिल्कुल। तो इस तरीके से कहानी है कि ये चलेगा और आपको लॉग करके दिखाई देगा जब भी आप उसको चेंज करोगे तो। ठीक है, मैं इसको सेव करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऋषभ कह रहा है कि ये सब आपने लिखा तो है बट इसका यूज़ नहीं करा है। ठीक है, मैं करूँगा, थोड़ी देर वेट करो। और मैं इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको इंस्पेक्ट करा आप बहुत बढ़िया से देखोगे, हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे आप सबसे पहले तो कंसोल में जाओ, और मैं चूज फाइल करा, और जो भी मैं जैसे मान लो इसको सिलेक्ट करा तो आप देख सकते हो ये पूरा पूरा आ गया यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब ये बढ़िया से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गुड। तो अभी करना ये है कि दो चीज़ें यहाँ पे करना है, और बताऊँगा मैं क्या क्या करना है। पहली बात तो ये कि ये कर दो सेट फाइल, सॉरी सेट लोगो करके था ना, सॉरी सेट लोगो। इसमें आप कर दोगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और ये 0। समझ गए, मतलब सीधी बात, जो यहाँ पे आप लॉक कर रहे थे ना अभी, वही चीज़ है ना, मतलब जो भी आप फाइल सेलेक्ट करोगे वो ये है। ठीक है, बिल्कुल, आपने पहली बात तो इसको सेट कराया। एक काम और करना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूँ इमेज और एक लिख रहा हूँ सेट इमेज। ठीक है, बिल्कुल। और यूज स्टेट इनिशियली जो है इसमें नल है, और जब भी कोई इमेज आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, बात को ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूँ इमेज यूआरएल, सॉरी। तो इमेज यूआरएल, ठीक है, बिल्कुल। तो इमेज यूआरएल और लिखना है सेट इमेज यूआरएल। ठीक है, लाइक दिस। तो जब भी आप कोई इमेज सेलेक्ट करोगे ना, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई इमेज आप सेलेक्ट करोगे तो वो इमेज यहाँ पे दिख जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे लगाना चाहोगे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप लगाना चाहोगे। तो IMG, ठीक है, और LT में लिख देता हूँ कुछ। ठीक है, मैं जस्ट लिख देता हूँ कि लोगो लोगो इमेज। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ लिखा है यार, आप ज़्यादा लोड मत लेना। और इसका जो SRC होगा ना वो आपको बाइंड करना है किससे, तो वो जो इमेज URL होगा उससे। अब वो इमेज URL का वैल्यू आएगा कहाँ से, तो जब भी आप इस फाइल को सिलेक्ट करोगे ना, कोई फाइल को, तो यहाँ से ही पूरा कहानी बनना है। और इसको आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है, करना क्या है आपको, करना ये है कि आपको लिखना है URL, और यहाँ पे नहीं यार, सेट इमेज URL। ठीक है, URL लिखना है आपको इस तरीके से, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। ठीक है, बिल्कुल, क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और इसमें पास कर दो उसको ई डॉट टारगेट, ओ नो, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और यहाँ पे 0, ऐसे हो गया, बिल्कुल। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी जरा मैं
मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है? थोड़ा सा रुकना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल लाइक दिस ओपन, और ये एकदम बड़ा सा दिख रहा है ना, तो इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मैं एक क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम प्रीव्यू इमेज, ठीक है, बिल्कुल। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाता हूँ एप डॉट सी एस एस में, ठीक है, और इस जगह पे जा करके डॉट लाइक दिस, ओके। और विड्थ जो है मैं कर देता हूँ, सपोज मान लो कुछ यार 50 पिक्सल, ऐसे जो भी आप ऐसा देख लो, है ना, आपको जितना भी सही आता है समझ में आता है, 50 पिक्सल। विड्थ, हाइट जो है 50 पिक्सल, और मैं अभी बॉर्डर रेडियस भी कर दे रहा हूँ 50%, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना कैसा दिखता है। तो मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, है ना, और इस तरीके से मैं सेलेक्ट करा, ये मैंने सेलेक्ट, और यार ये बड़ा सा अभी भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं करा है। तो अब मैंने इसको सेव करा, एंड यू कैन सी लाइक चीज़ें जो हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे गया और अब मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं कोई सा भी लगे, मान लो कि ये सेलेक्ट करा, तो ये देखो ये दिखने लगा है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात है, आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी आप सेलेक्ट करो, आप इसमें थोड़ा और भी कलाकारी कर सकते हो, आपको लगता है कि इसके बगल में एक दिखाना है तो आप इसमें डिजाइनिंग कर लेना अपना, ठीक है, बिल्कुल। बट हाँ यार, चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, और इनमें भी जो भी आप टाइप कर रहे हो वो सब बाइंड हो ही रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कॉन्स्ट ऑन सबमिट, या सीधा लिख दो सबमिट हैंडलर, ठीक है, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो जब भी सबमिट हैंडलर चलेगा, है ना, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, बिल्कुल, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके, बिल्कुल। डिफॉल्ट बिहेवियर मतलब जो रिफ्रेश होता है ना सबमिट होते ही, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये पूरा का पूरा जो चीज़ दिख रहा है ना, ये बेसिकली होना है फॉर्म के अंदर, तो आप कंट्रोल अच्छे से ले पाओगे, ठीक है, लाइक दिस। और जैसे ये सबमिट होगा, ऑन सबमिट, ओके, ये सबमिट हैंडलर चला देने, मैं इसको सेव करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ओह या, एक काम करना पड़ेगा, ये जो क्लास नेम यहाँ पे है ना, इसको हटा के यहाँ पे डाल देना है, कुछ नहीं, ठीक है, टेंशन ना लो, इसको हटा दो और फिर इसको हटा दो, हो गया, चलो, बहुत सुंदर, सेम चीज़ है, ओके, गुड। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये अभी सबमिट करा ना, ये सब चीज़ फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है, तो एक काम और कर लो थोड़ा सा, इन सब को, है ना, लिख दो रिक्वायर्ड, हाँ, ये सब के सब जो हैं वो रिक्वायर्ड है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और फिर यहाँ पे भी कंट्रोल वी, हो गया, चलो, बहुत ही सुंदर। अभी जब भी ये सबमिट होगा, टाइप सबमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, ऑन सबमिट, है ना, तो मैं इसको जब क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये बोल रहा है कि पहले सबको फिल करो, ठीक है, गुड, मतलब ये सही है। अभी एक आध को मैं लॉक करवा के देख लेता हूँ, तो पता चल जाएगा कि हाँ सही काम कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लॉक करवा के देख रहा हूँ बस चैनल नेम को, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। और यार राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट कर लो, और यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, इन सब में भी @gmail.com होना चाहिए, है ना, पासवर्ड, फ़ोन, कोई एक फाइल सेलेक्ट कर लो, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और मैं अभी सबमिट पे ये करा क्लिक, ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये सही है अभी, ठीक है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में ये करना है कि अभी हमें API कॉल करने हैं, पहले फॉर्म डेटा में डेटा बाइंड करके। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि बाई डिफॉल्ट जब हम HTML फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो वो रिफ्रेश होता है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने ये चीज़ लिखा हुआ है। नाउ द थिंग इज कि हम यहाँ पे फॉर्म डेटा बनाएंगे, फॉर्म डेटा इसलिए क्योंकि हमें फाइल भी अटैच करके भेजना है, अदरवाइज डायरेक्ट जैसे फॉर्म में भेज सकते थे। तो कॉन्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे फॉर्म डेटा, राइट, और न्यू फॉर्म डेटा आपको क्रिएट करना है, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे चीज़ों को आप ये करते जाओ, तो फॉर्म डेटा में अपेंड करते जाओ, अपेंड करना है, पहला की आपको डालना है, दूसरा वैल्यू,
तो सबसे पहले तो यार चैनल नेम है ना, सबसे पहले क्या बोला मैंने, चैनल नेम। तो ये जो चैनल नेम है, ओके चलो ये हो गया। उसके बाद जो है फॉर्म डेटा, हाँ फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और उसके बाद ईमेल है ना, और ईमेल भेज देना है उस ईमेल को। उसके बाद फिर से फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और फ़ोन में आपको भेज देना है वो फ़ोन वैल्यू जो भी होगा। उसके बाद फिर से फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ठीक है बिल्कुल, और पासवर्ड में भेज देना है पासवर्ड को, ठीक है बिल्कुल। चैनल नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, 1 2 3 4, ठीक है हो गया। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ओके, और लोगों में भेज देना है, बाइंड करना है ये जो लोगो है, हो गया बिल्कुल। तो आप देख लो बढ़िया तरीके से, 1 2 3 4 5 हो गया ना, गुड। अब क्या करना है आपको, एपीआई कॉल करना है। तो एपीआई कॉल करने के लिए आपको एक्सियस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से गया मैं और लिखा npm इंस्टॉल एक्सियस, हो गया बिल्कुल। जैसे एक बार इंस्टॉल हो जाए तुम्हारा काम बन जाएगा है ना, एक बार ये हो जाए। तो अभी मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ है ना, आपको मैं बता रहा हूँ हमने करा क्या है। पोस्टमैन से जो चीज़ हम हिट कर रहे थे अभी, वो चीज़ हम यहाँ से कर रहे हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट अ मिनट, खुल जा आसन से, जल्दी 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 खुलो 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 खुलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये क्यों इतना लेट हो रहा है ए? चलो भाई साहब मैं यहाँ पे गया, इधर क्लिक मार रहा हूँ। ओ भाई भाई, ठीक है यहाँ पे नहीं, ये बॉडी में फॉर्म डेटा नहीं, ये तो नहीं है, ये है क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है बिल्कुल, ये जो ये चीज़ फॉर्म डेटा है। और एक दूसरा तरीका, यहाँ पे आप भेज देते हैं है ना, ये डायरेक्ट जेसन में, ये फॉर्म डेटा, राइट बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि आपको फाइल भेजना था याद करो आप, है ना। तो चैनल नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, लोगो, ये सब फॉर्म आपने बनाया, ये रहा, और यहाँ से इनपुट ले रहे हो है ना, कुछ इसी तरीके से भेज रहे हो। तो यार ये रहा इसका पूरा पूरा URL, ठीक, ये आप ध्यान रखोगे। तो एक्सियस डॉट आपको जो रिक्वेस्ट करना है वो करना है पोस्ट रिक्वेस्ट, समझ गए बिल्कुल। तो पहला में आपको डाल देना है URL और दूसरे में डाल देना है डेटा, फॉर्म डेटा, हो गया बात खत्म। जब ये पोस्ट हो जाएगा डॉट देन, तब जो भी चीज़ें आ रहा होगा RES में हम रख रहे होंगे, किसी तरह का एरर आता है तो हम कैच कर रहे होंगे, ठीक है ARR में बिल्कुल, और पहले कंसोल में लॉग करके देखना चाहेंगे क्या आ रहा है। और जो भी RES आ रहा होगा मैं कंसोल में लॉग करना चाहूँगा, कंसोल डॉट लॉग है ना, RES.data, RES के अंदर में डेटा में आता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इतना देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक, और मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। एक एरर यहाँ पे आएगा, कोर्स ऑरिजिन एरर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज मान लो मैंने लिखा है रोशन क्लासेस, ठीक है बिल्कुल, और ये मैंने लिखा है RKSK@ ये फलना चिलना कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, ओके बहुत सुंदर। और यहाँ पे फ़ोन नंबर है, मैं ये फ़ोन नंबर डाल दिया, चलो खुश। अभी मैं कोई एक लोगो ये सिलेक्ट कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, राइट क्लिक मैं करता हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम तो ये कि जब सबमिट हो रहा है पता नहीं चल रहा है कि सबमिट हो भी रहा है या नहीं, फिर तो लोडर लगाना पड़ेगा है ना। बट हाँ यार, ये फाइल सेव नहीं हुआ था क्या? ओके, मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक मारा, ठीक, थोड़ा देखते हैं कुछ होता है क्या। हाँ एरर वेरर तो आया है, देख लो वही कोर्स वाला एरर है ना, अब देख पा रहे होगे। और यार ये लोडर नहीं चल रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा है कि रिक्वेस्ट गया भी या नहीं। तो एक तो प्रॉब्लम पहले ये फिक्स करो, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम
फिक्स करो ये जो आ रहा है, ठीक है? बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले यही फिक्स कर लेते हैं, ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बैक एंड है ना, उसको ओपन करो, ठीक है? हाँ, इसका जो बैक एंड है वो ओपन करो, और ये रहा आवर ट्यूब। ओके भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये रहा, इसको ओपन करो। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ करना है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या। एनपीएम इंस्टॉल, ठीक है? एनपीएम इंस्टॉल कोर्स है ना, बिल्कुल, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक? ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप डॉट जेएस में जाना है ना? और सबसे पहले आप उसको कॉन्स्ट कोर्स और रिक्वायर है ना, इस तरीके से लिख दो, कोर्स, ठीक? बिल्कुल। अब चाहो तो इसको सर्च भी कर सकते हो है ना, और यहाँ पे जा सकते हो कोर्स ऐसे लाइक यहाँ पे गए, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा चीज। इससे आप एक्चुअली ये एरर आपको बताना चाहिए क्या एरर है। आपका फ्रंट एंड कहीं और है, बैक एंड कहीं और है, ठीक है? तो वो क्या कर रहा होता है ना कि ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? मतलब बैक एंड कहीं और है हमारा डिप्लॉय, फ्रंट एंड अभी हमारे मशीन पे, तो वो एक्चुअली में रोक रहा होता है, ऐसे डायरेक्ट से नहीं रिक्वेस्ट आने देगा। हमें बताना पड़ेगा किससे, किस किस ओरिजिन से रिक्वेस्ट आना है, ठीक है? समझ रहे हो ना बात को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैंने कई बार इस चीज़ को बता रखा है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि एरर आया क्यों है। देखो इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लो, हमारा जो बैकएंड है ना वो कहीं और है, फ्रंट एंड कहीं और है, ठीक है? तो एक्चुअली में ना बैकएंड में ना हम ये बात बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से हमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। अभी मैं बता दूंगा सारी जगह पे, ठीक है? सारी जगह से, अदरवाइज आप चाहो तो एक पार्टिकुलर डोमेन से आप सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का ये अलाउ कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल हाँ। तो अभी तो मैं बोलूँगा कि यार सारे से ही कर लो, ठीक है? तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये चीज़ कंट्रोल सी करो और सीधा कंट्रोल वी कर दो ऐसे लाइक, ओके? बिल्कुल। और अदरवाइज आप चाहो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी एक पार्टिकुलर डोमेन को भी अलाउ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जा करके आपको इस तरीके से लगा देने हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। अब जब सेव करें तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा आपको भी पता है, इसको सबसे पहले कमिट करना पड़ेगा है ना? तो मैं लिख देता हूँ कोर्स, कोर्स एरर, ठीक है? फिक्स्ड ऐसे। अब मैंने इसको ये करा, और अब इसको मुझे पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो दोबारा से डिप्लॉय होगा है ना? बिल्कुल। तो ये मैं सेट करके ये मैंने कर दिया पुश, ठीक है? बिल्कुल हो गया, डन। चलो बहुत ही सुंदर, इसका काम यहाँ से ख़त्म है, थोड़ा सा वो टाइम लेगा डिप्लॉय होने में। तब तक एक काम करते हैं, तब तक एक काम करते हैं, वो लोडर लगाते हैं, ठीक है? बिल्कुल। देखो अभी लोडर लगाने के लिए ना सबसे पहले आपको सर्च करना है फोंडावेजम, ठीक है? सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, ये स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे एक ईमेल मांगेगा। आप अपना ईमेल डाल सकते हो, अदरवाइज आप जाकर के टेम्प ईमेल भी सर्च कर सकते हो। टेम्प ईमेल आप यार ये ले लो, ठीक है? मैं यहाँ पे गया और इधर गया। नाउ द थिंग इज कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक ईमेल यहाँ पे जनरेट होकर के आएगा, आप इसको यूज़ में ले लो, ठीक है? बिल्कुल फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बिल्कुल आ गया, कॉपी कराओ और भाई साहब को सीधा सीधा यहाँ पे पेस्ट मार देना है, ठीक? गुड। यहाँ पे किट भेज देगा, ओ इसको बोलता है चेक करो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे गया, उसके बाद आपको जाना है अपने मेल पे, यहाँ पे आ गया होगा, एकदम रियल मेल की तरह काम करता है ये, समझ गया? ओके आ गया। चलो अब इसको वेरीफाई कर लो, वेरिफिकेशन मेल आया ना, अभी यहाँ पे फिनिश कर दो ये क्लिक मार के। और जैसे ये क्लिक मार के फिनिश कर दोगे, ये एक पासवर्ड वासवर्ड कुछ पूछेगा, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे डाल दो कोई पासवर्ड, ठीक? बिल्कुल डाल दिया, ये हो गया। नाउ द थिंग इज कि जब ये हो गया ना, तो यहाँ पे भाई साहब ये मांग रहा है कुछ कुछ, डालो जल्दी जल्दी, ठीक? एकदम फुल स्पीड में जो जो डाल सकते हो डाल दो जल्दी जल्दी, ये पता नहीं ये सब कुछ कुछ लिखो ना यार, होम देख रहे हो। चलो सब फिनिश, कहानी खत्म, हो गया। देखो कितना आसान था है ना? बिल्कुल। अब क्या करना है ना, अभी अभी क्या करना है, बिल्ड योर क्यूट किट विट, क्या 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 लिख रहा है भाई साहब?
पलना छीलना ढकना फ्री स्टाइल ऐसा कुछ। क्लिक लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ठीक, ये सब भी क्या क्या आ रहा है। ठीक है, डोमेन वोमेन ऐड करने बोल रहा है। पता है ये सब ना नहीं भी कर सकते हो आप, कट मारो तो सीधा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट जाओ, क्रिएट योर फर्स्ट गेट। ओ भाई साहब, ये सब डालना ही होगा क्या। रुको रुको रुको, मैं कुछ तो करूँगा। डाइट से नहीं देगा क्या। डाइट से नहीं दोगे भाई साहब, दे दो। यहाँ पे मैं आया, ये डाल नहीं बोल रहा है, करो यार ये सबको। ठीक, नेक्स्ट मारा, इसको करो abc.com। चलो खुश। नेक्स्ट, ये हो गया, मुझे ये चाहिए था, सीधा बात कॉपी करो और यहाँ पे आओ, और उसके बाद आ जाना। अब आप यहाँ पे पब्लिक के अंदर index.html। और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू हो बहुत सारी वीडियो से, तो मैंने इसको कई बार यूज़ कर रखा है ना, सीधी बात तो यही है। अब उसके बाद यहाँ पे ला करके चिपका दो कहीं पे। ठीक है, हाँ मैंने कहा कहीं पे भी चिपका दो, कहीं पे भी चिपका दो। ठीक, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दिया, ये सेव करो यहाँ से और यहाँ से निकलो। ठीक, सीधी बात है। अब लगाना है आपको, मैं बता रहा हूँ क्या। आप जाओगे इधर और ना सर्च करना फॉन्ट अवेजम एनिमेटेड आइकन, ऐसा कुछ लिखो तो आप जरा जो मिल जाए। ठीक है, मैंने इसको क्लिक मारा और यहाँ पे आप देखोगे तो वो सर्च वाला देख रहा होगा। सर्च वाला नहीं, सॉरी, लोडिंग 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 लोडिंग। मिल जा मिल जा मिल जा, एरा। ठीक है, इसमें से ही कोई एक आपको क्या करना है, स्पिन यूज कर लेना है। आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसको यूज कर लो। ये वाला लास्ट, ये ठीक है, कंटिन्यू से ही करता हूँ। और कहाँ पे लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो साइन प्लॉट जैसे हैं जो बटन है हमारे पास है ना, बिल्कुल, तो ये बटन में आपको यहाँ पे लगा देना है ऐसे। हो गया, चलो। अब बात ये है ना कि ये हर बार नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ ये हर बार नहीं दिखना चाहिए, जब लोड हो रहा होगा तब, जब लोड हो रहा होगा तब। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे होगे, थोड़ा सा मैं आपको इस पर भी दिखा देता हूँ कहानी। यहाँ पे आओ और इसको देखो, ये बिना मतलब का ये आ रहा है। ठीक है, पहले ये इमेज भी देख लो। तो ये इमेज हर बार नहीं दिखना है, जब इमेज का वैल्यू होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाने आपको, तो आप इसको ऐसा लगाओ, पहले तो इसको बंद करो, कर दिए। जब यहाँ पे इमेज वायरल प्रेजेंट होगा तब ही आपको इसको दिखाना है। तो इमेज वायरल जब प्रेजेंट होगा तब आपको इसको दिखाना है। ठीक है, अभी आप देखोगे ये नहीं हुआ, ये क्या नहीं आ रहा है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, कोई सा भी ले रहे हो, तब ओनली वो आएगा। दिख रहा है, बिल्कुल ये आइकन आ चुका है। अब ये भी कहानी है, ये हर बार ऐसे नहीं दिखना चाहिए ना गोल गोल घूमते हुए। ये यार तब देखे जब लोडिंग ट्रू हो। ठीक है, इज लोडिंग, अब ये बना नहीं है, मैं बना रहा हूँ इसको। ये कंडीशन जब ट्रू होगा ना, अरे रे रे रे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इज लोडिंग, बनाए नहीं है, बनाएंगे अभी। जब इज लोडिंग ट्रू हो तब। ठीक, अब ये चीज भाई साहब बनाना पड़ेगा हमें, इज लोडिंग है नहीं तो एरर दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे जाओ और बनाओ इसको, कॉन्स्ट इज लोडिंग है ना, कॉन्स्ट इज लोडिंग, और एक करो सेट लोडिंग। ठीक, और इसको बंद कर दो इस तरीके से। ठीक, स्टेट हमने क्रिएट कर लिया, हाँ, और इज इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियली जो है ये फॉल्स होना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। जैसे ही इसमें लाइक सबमिट हैंडलर जैसे ही ये चलना है, ठीक है, सेट लोडिंग कर देना है ट्रू, मतलब लोडर चलने लग जाएगा। और उसके बाद जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आ जाता है, सेट लोडिंग जो है वापस से कर देना है फॉल्स। हो गया, बिल्कुल, और कोई एरर आता है तब भी सेट लोडिंग कर देना है फॉल्स। हो गया, बहुत ही सुंदर। अब कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुनोगे। जब रिस्पॉन्स मिल गया तो आपको नेविगेट करना है। ठीक है, मतलब जब सक्सेसफुली साइन अप हो गया तब नेविगेट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट
नेविगेट, ठीक है, और यूज नेविगेट, हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे नेविगेट कर देना है आपको सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल, आपको नेविगेट कर देना है कहाँ पे, तो स्लैश लॉगिन पे, हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है अभी। तो यहाँ पे आया चैनल नेम रोशन, क्लासेस, ईमेल जो है rks@gmail.com, पासवर्ड जो है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और फ़ोन नंबर जो है, अरे यार ठीक है, फ़ोन नंबर जो है मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, गुड। चूज फाइल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट करता हूँ, और यहाँ पे देखो लोडर चल रहा है, और हम सक्सेसफुली जो है लॉगिन पे आ गए। इसका मतलब ये देखो रिस्पॉन्स के अंदर में डेटा आपको मिल रखा है, और यहाँ पे सारा कुछ है ना, देख लो अच्छे तरीके से, आर एस के अंदर में डेटा, और ये न्यू यूज़र क्रिएट हो गया, और ये सारा का सारा चीज़ जो वहाँ पे हमें पोस्टमैन में मिलता था। तो एक्चुअली में ये डेटा के अंदर मिलता है ना, तो ये जो हम आर ई एस कर रहे थे ना, आर ई एस को लॉग, तो आर ई एस को लॉग नहीं करना, आर ई एस के अंदर डेटा है उसको लॉग करना है, समझ गए। तो उसमें मिल जाएगा आपको ये चीज़ डेटा के अंदर में, ये न्यू यूज़र है ना, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गया होगा, एक नंबर ये काम कर रहा है, आप जाकर के मोंगोडीबी में चेक कर सकते हो, ये यूज़र आपको दिख रहा होगा, और आप क्लाउडनेटरी पे भी जाकर देख सकते हो, ये आपको इमेज भी दिख रहा होगा जो आपने अभी यहाँ पे लोगों में डाला था। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, सपोर्ट करो, बहुत ज़रूरी है ना, अदरवाइज आप देख सकते हो कितना कम व्यूज़ आ रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, है ना, घंटों का। ओके बिल्कुल।